तो बजट घोषणाओं को लागू करने में भरतपुर में अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। जिले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है पीडब्ल्यूडी विभाग की। आज कलेक्टर आलोक रंजन ने जब पीडब्ल्यूडी विभाग के भरतपुर नदबई डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के बजट के निर्माण कार्यों की समीक्षा की तो XEN अशोक मीणा बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्हें चार्ज शीट जारी की गई। इसके साथ ही डीग और कुम्हेर के दो सहायक अभियंता रूपेश कुमार गोविंद सहाय मीणा को 17 CC के तहत और JEN भूपेंद्र सिंह हैप्पी सिंह को 16 CC के तहत चार्जशीट दी गई। इसके साथ ही इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख शासन सचिव PWD वैभव गालरिया को कलेक्टर ने लेटर भी लिखा है। कलेक्टर आलोक रंजन ने PWD भरतपुर के SE जयलाल मीणा को भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग समय पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बजट घोषणाओं को काम पूरा नहीं हो रहा। कलेक्टर ने SE जयलाल मीणा को CM की कुम्हेर के पला में विजिट के दौरान बढ़ती गई लापरवाही पर पूर्व में थमाई गई 17 CC की चार्जशीट का जिक्र करते कहा कि अगर ढर्रा नहीं सुधरा तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर आलोक रंजन ने नदबई में ROB का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने वाले संवेदक के काम को भी विड्रॉ करने के भी आदेश दिए। सहयोगी देवेंद्र का हम रुख कर लेते हैं और देवेंद्र से जानेंगे इस खबर पर पूरी जानकारी। देवेंद्र देखिए, आज भरतपुर जो कलेक्टर है आलोक रंजन, उन्होंने सिक्योरिटी विभाग की समीक्षा बैठक की थी। भरतपुर जिले के अंदर जो काम चल रहे हैं उन कामों को समय पर नहीं किया जा रहा था। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर जिन कामों की घोषणा की गई थी, वर्ष 2018-19 की बात हो या 2020-21 की बात हो या ये सारी जो बजट घोषणाएं उस समय हुई थी, उन बजट घोषणाओं के अकॉर्डिंग वो काम वहाँ पर शुरू नहीं हो पाए थे। और खासी डीप कुम्हेर में बहुत से काम थे जो समय पर शुरू होने थे लेकिन नहीं हो पाए। इस वजह से जो कलेक्टर है उन्होंने जो एक्शन है अशोक मीणा उनको 17 CC का नोटिस दिया है, 2 AEN है गोविंद साहब मीणा और रूपेश कुमार उनको नोटिस दिया है, 2 JEN है हैप्पी सिंह और एक भूपेंद्र सिंह उनको 16 CC की चार्जशीट दी है। इस तरह की कार्रवाई की गई है क्योंकि लगातार जिस तरह की भरतपुर जिले के अंदर जो मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम है उनमें खासी लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं। सरकार की जो योजना है उनमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो समय पर नहीं हो पा रही है। इसकी नाराजगी और इसका रोना विधायक या क्षेत्रीय जो विधायक होते हैं वो भी रोते रहते हैं लेकिन अधिकारी कोई सुनते नहीं है। और आज इसी तरह का नजारा जब मुख्यमंत्री फ्लैगशिप स्कीम में बजट घोषणाओं की जब कलेक्टर समीक्षा कर रहे थे देखने को मिला। जी शुक्रिया देवेंद्र आपको तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि लापरवाही की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी की तस्दीक करती है खबर आपके सामने।